भवानीपुर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका टिबरेवाल को उम्मीदवार बनाया है, यानी पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से उपचुनाव में प्रियंका टिबरेवाल ममता बनर्जी को टक्कर देंगी। प्रियंका टिबरेवाल पेशे से वकील हैं, उन्होंने ही विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के खिलाफ याचिका दायर की थी। बता दें कि भवानीपुर सीट से 30 सितंबर को वोटिंग होगी और इसी दिन पश्चिम बंगाल के समसेरगंज और जंगीपुर सीटों के साथ साथ ओडिशा के पिपली निर्वाचन क्षेत्र में भी उपचुनाव होने हैं। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाएगी, इस पर सबकी नजर थी, क्योंकि नॉमिनेशन के 3 ही दिन बचे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया है। बता दें 21 वर्षीय प्रियंका कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। इसके साथ वह युवा मोर्चा के बीजेपी यूथ विंग में उपाध्यक्ष के पद पर हैं। प्रियंका ने साल 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी। उस वक्त प्रियंका बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार हुआ करती थी। वहीं प्रियंका को बीजेपी में लाए थे और प्रियंका टिबरेवाल को बीजेपी ने इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में एंटली सीट से उम्मीदवार बनाया था। वहीं स्वर्णा कमल ने उन्हें हरा दिया था। वहीं ममता बनर्जी भी उस चुनाव में नंदीग्राम से हार गई थी। उनके बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने भी उन्हें हराया था और सीएम बने रहने के लिए अब ममता बनर्जी को विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, इसलिए वह इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी की इस पारंपरिक सीट को टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने खुद खाली कर दिया था। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।